मेरी पिछली वीडियो में आप सभी लोगों के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट आए, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और साथ ही कई लोगों ने यह सवाल पूछा कि सर ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो भी मांगा जाए उसे आसानी से पाया जा सकता है। तो देखिए, सुबह जल्दी जागना आमतौर पर हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। आज के समय में लोग सोशल मीडिया के इतने आदी हो गए हैं कि उनको समय पर सोने के लिए समय ही नहीं मिलता, तो कुछ लोगों को वास्तव में रात भर जीवन यापन के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उन्हें रात भर जागना पड़ता है। 8 घंटे की नींद शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त को मन, शरीर और आत्मा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। वैसे ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ होता है निर्माता का समय। यह रात का अंतिम चरण या मुहूर्त है और योग के सभी अभ्यासों के लिए एक शुभ समय माना जाता है। आप इस समय ऐसा कोई भी कार्य कर सकते हैं जिसकी आपने दीक्षा ली हो, या ध्यान, पूजा या किसी अन्य धार्मिक कार्य के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है। प्रत्येक मुहूर्त 48 मिनट तक रहता है और इसलिए ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1 घंटे और 36 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्योदय से 48 मिनट पहले समाप्त होता है। कहते हैं ब्राह्मी मुहूर्तम उत्थिष्ठे स्वास्थ्यो रक्षार्थम आयुषः तात्रा सर्वथा संत्यार्थम समरीक्षा मधुसूदनम। इसका अर्थ है कि जो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं उनके एक उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और एक लंबे जीवन काल को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के साथ पृथ्वी के संबंध की प्रकृति ऐसी है कि इस समय मानव शरीर में कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। पर्यावरण शुद्ध और शांत और सुखदायक होता है और नींद के बाद मन ताजा होता है। इस समय ध्यान, मानसिक कार्य में सुधार होता है जो सात्विक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए मानसिक उत्तेजना या अति सक्रियता और सुस्ती कम हो जाती है। इस ब्रह्म मुहूर्त में पूरा शरीर एक निश्चित अनुकूल वातावरण में होता है, जिससे प्राकृतिक मेलाटोनिन का उत्पादन होता है जो पाइनल ग्रंथि का स्राव है। हमें इस समय का उपयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि पाइनल ग्रंथि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान अधिकतम स्रावित होती है, जिसका अर्थ है कि आप इस समय अपने ब्रह्म ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान और अनंत खुशी को प्राप्त कर इसे मजबूत बना सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब निर्माता का समय है। आप इसे इस तरह देख सकते हैं, यह वह समय है जब आप स्वयं को बना सकते हैं। आप सुबह में ब्राह्मण बन जाते हैं ताकि आप स्वयं को जिस तरीके से बनाना चाहते हैं उसे बना सकें। मैक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप के सिद्धांत के मुताबिक विशाल बाहरी ब्रह्मांड के माइक्रोस्कोप में मौजूद सब कुछ मानव शरीर के आंतरिक कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड में भी पाया जाता है। मनुष्य ब्रह्मांड का प्रतीक है। मनुष्य के भीतर जितनी डाइवर्सिटीज हैं उतनी ही डाइवर्सिटीज मनुष्य के बाहर की दुनिया में भी है। जब व्यक्ति बाहरी ब्रह्मांड के साथ गठबंधन में बंध जाता है तो भीतरी ब्रह्मांड और बाहरी ब्रह्मांड एक समान कार्य करना आरंभ कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान यानी प्रातः 3:40 से लगभग 6 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय हमारा ब्रह्मांड रूपी शरीर उस बाहरी ब्रह्मांड से आसानी से कनेक्ट हो जाता है। जब व्यक्ति बाहरी ब्रह्मांड के साथ गठबंधन में बंध जाता है तो भीतरी ब्रह्मांड और बाहरी ब्रह्मांड एक समान कार्य करना आरंभ कर देते हैं और मनुष्य की एकाग्रता शक्ति में वृद्धि होती है। जिस चीज की उसने दीक्षा ली है, अगर वह उस चीज पर प्रतिदिन कार्य करता है तो वह हर उस चीज को प्राप्त कर सकता है जिसके बारे में उसने कभी अनुमान भी ना लगाया हो। इसी प्रकार से हमारा शरीर ब्रह्मांड के चक्रों की नकल करते हुए आगे बढ़ता रहता है। जिस प्रकार 24 घंटे में रात दिन का चक्र पूरा होता है और 356 दिन में वर्ष का संपूर्ण चक्र पूरा होता है, उसी प्रकार सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हम उस असीम ब्रह्मांड की कल्पना को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं जिसके बारे में हम लोगों से सुनते आए हैं। ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे के समय चक्र का हिस्सा है। यदि हम जीवन भर के चक्र की इस 24 घंटे के चक्र से तुलना करते हैं
तो हम देखेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त जीवन चक्र में जन्म से मृत्यु तक मेल खाता है। चलिए इसे समझते हैं कैसे। बचपन यानी कि सुबह, मध्य जीवन यानी कि दोपहर, बुढ़ापा या जीवन की सांझ से अंत तक यानी दोपहर के माध्यम से देर रात तक मौत यानी रात, और सुबह जीवन की फिर से नई शुरुआत होती है। उदाहरण के लिए सुबह के शुरुआती घंटों के दौरान सक्रिय प्राण गर्भावस्था से लेकर जन्म की क्रिया की तरह हमारे शारीरिक और मानसिक स्थिति को संगठित करती है। वहीं हमें हमारे दिन में आसानी से प्रवेश करने की अनुमति देती है। हम ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठा सकते हैं कि इस समय संगठनात्मक और वितरण सिद्धांत विशेष रूप से सक्रिय व उपलब्ध होता है और इस समय प्रभाव के अधीन है, जो हमें स्वस्थ प्रभाव प्रदान कर सकते हैं। योगी, परमहंस, सन्यासी और ऋषि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान अपना ध्यान शुरू करते हैं। इस समय किसी भी प्रयास के बिना ध्यान स्वयं ही आ जाता है। यानी जो ध्यान आप दिन में करते थे, अगर उस ध्यान को आप ब्रह्म मुहूर्त के समय करेंगे तो आपको अपने मस्तिष्क को एकाग्र करने की आवश्यकता कम होगी। यानी आपका शरीर पहले से ही एकाग्र होगा और आप ब्रह्म मुहूर्त में आसानी से ध्यान लगा पाएंगे। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त और शाम के दौरान सुषुम्ना नदी आसानी से बहती है। जब सुषुम्ना नदी बहती है तो आप बिना किसी प्रयास के गहरे ध्यान और समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। जब दोनों नाक के माध्यम से सांस बहती है तो पता चलता है कि सुषुम्ना काम कर रही है। ऐसे में ध्यान के लिए बैठें और आत्मा की आंतरिक शांति का आनंद लें। ब्रह्म मुहूर्त छात्रों के लिए विशेष फलदायी है। ब्रह्म मुहूर्त के समय एकाग्रता का स्तर चरम पर होता है, इसलिए छात्रों को ब्रह्म मुहूर्त के दौरान अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार मेलाटोनिन का स्तर, जो शारीरिक और मानसिक दोनों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, रात के समय में अपने शिखर पर पहुंच जाता है और सुबह के समय क्षीण हो जाता है। मेलाटोनिन मनोदशा को बनाए रखता है और समझ को बढ़ाता है। मेलाटोनिन के स्तर में गिरावट तनाव विरोधी हार्मोन कोर्टिसोल में वृद्धि करता है। इसके स्तर में सुबह के घंटों के दौरान वृद्धि होती है और यह लगभग 6 बजे उच्चतम होता है। कोर्टिसोल के स्तर में वृद्धि से तनाव दूर होने के साथ साथ उत्साह में भी वृद्धि होती है। तो मैं आशा करता हूं आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करते रहिए, आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, मैं आपको उसी प्रकार की वीडियोस देता रहूंगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।